आगरा जिले में एक होटल के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या करने वाले युवक का मरने से पहले का वीडियो होने पर भी, मुकदमा दर्ज होने के 2 माह से ज्यादा समय होने पर भी पुलिस आरोपी दबंग भाजपा नेत्री और उसके परिवार को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पीड़ित परिजनों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री समेत तमाम अधिकारियों को ट्वीट कर न्याय की गुहार लगाई है। मामले में आगरा पुलिस ने साक्ष्य संकलन के बाद कार्यवाही की बात कही है। जानकारी के अनुसार आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र में बिहार के गोपालगंज कटिया के निवासी हिमांशु कुमार 30 वर्ष ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। युवक ने मरने से पहले एक वीडियो बनाकर वायरल किया था। वीडियो में उसने अपनी सास मिर्जापुर महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष श्वेता दीक्षित, ससुर प्रदीप गुप्ता, पत्नी प्रतीक्षा गुप्ता और साले सर्वेश गुप्ता को मौत का जिम्मेदार बताया था। पिता प्रदीप प्रसाद ने बताया कि यूपी में कई बार प्रयास करने पर भी बेटे की सास श्वेता दीक्षित के दबाव के चलते FIR तक दर्ज नहीं हो रही थी। इसके बाद बिहार में गोपालगंज के SP के आदेश पर वहां 0 FIR दर्ज कर थाना ताजगंज आगरा को ट्रांसफर की गई। इसके बाद 22 जुलाई 2022 को ताजगंज थाने में धारा 306 और 34 के तहत चारों पर मुकदमा दर्ज किया गया। मृतक के भाई प्रियांशु कुमार वैभव ने बताया कि हिमांशु की शादी 2021 में मिर्जापुर के खोया मंडी मुकेरी बाजार कोतवाली कटरा निवासी श्वेता गुप्ता की पुत्री प्रतीक्षा गुप्ता से हुई थी। हिमांशु भदौही जिले में एक्सिस बैंक में नौकरी कर रहा था। वहीं एक रिश्तेदारी की शादी में सास श्वेता गुप्ता ने बातचीत कर रिश्ता पक्का किया था। शादी के बाद से ही श्वेता गुप्ता ने अपने भाजपा नेता होने और विधायक से करीबी का रौब झाड़कर हिमांशु पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। श्वेता लगातार हिमांशु पर घर जमाई बनने का दबाव बनाने लगी। हिमांशु ने दबाव में आकर नौकरी छोड़ दी। 8 माह तक उसने परिवार संभालने का प्रयास किया। इसके बाद उसने पटना में HDFC बैंक में मैनेजर के पद पर नौकरी ज्वाइन की। सास ससुर और साले ने फिर दबाव बनाना शुरू कर दिया। वह चाहते थे कि पत्नी को मिर्जापुर मायके में रखकर नौकरी करे और शनिवार और रविवार मिर्जापुर आकर रहे। भाई वैभव ने बताया कि अपनी बेटी को खुद अपने साथ वापस ले जाकर सास ने मिर्जापुर कोतवाली में पूरे परिवार पर दहेज मांगने का आरोप लगाकर मुकदमा लिखा दिया। इसके बाद जब पूरा परिवार 26 नवंबर को अपनी बेगुनाही की जानकारी देने कोतवाली आए तो 50 लोगों के साथ कोतवाली के अंदर घुसकर पूरे परिवार को पीटा गया। हमारी सुनवाई तो दूर बचाए भी नहीं गया। रोजाना हमारे किसी न किसी रिश्तेदार के यहाँ श्वेता गुप्ता जाकर हंगामा करने लगी। बात यहीं खत्म नहीं हुई। श्वेता गुप्ता पुलिस और गुर्गों के साथ अपने गांव कटिया बिहार आ गई। पिता प्रदीप प्रसाद उमर को घर पर बुरी तरह पीटा गया। उन्हें उठाकर मिर्जापुर ले जाया जा रहा था तो उसी समय पिताजी चकमा देकर भाग गए। ये घटना पेट्रोल पंप के CCTV में कैद हो गई। लगातार हंगामे के चलते भाई हिमांशु ने HDFC की नौकरी छोड़ दी और आगरा आकर फरारी काटने लगा। इस दौरान अवसाद में आकर उसने आत्महत्या कर ली। भले ही पुलिस दबाव में काम कर रही है पर हम भी सोच कर बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे और उसे सजा दिला कर रहेंगे। उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी। उसने अपनी बेटी को भड़का के मेरे खिलाफ फर्जी केस किया। मुझे बर्बाद कर दिया उसने। नौकरी किया मैं एक्सिस बैंक में, उसके लिए छोड़ दिया। उसकी वजह से एक आज मैं HDFC में बहुत मेहनत के बाद मैनेजर बना, वो भी छोड़ दिया मैंने आज। इसके वजह से मेरा सारा करियर चौपट हो गया, मेरी जीवन खराब हो गई। अब मेरे जीने का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मेरे पूरी फैमिली को इसने बर्बाद कर दिया। मेरे बाप को मारा इसने मेरे गांव में पहुंच के। श्वेता गुप्ता और उसके पूरे परिवार ने, सर्वेश गुप्ता और इसने मेरी जिंदगी खराब कर दी। अगर मैंने कुछ गलती की है तो उसकी सजा मुझे मिलती, न्यायालय उसका सजा मुझे देता, लेकिन इसने कहीं का नहीं छोड़ा मुझे। इसने भारतीय संविधान के आगे जाके बात की। लड़कियां जो बोलते वो सच होता है ना, लड़के खराब होते हैं, हमेशा लड़के खराब होते हैं। मैंने उस लड़की से प्यार किया था, मैंने शादी की थी, पहले मैंने ये बात बताया था।
अगर वो लड़की शादी करके मेरे साथ चली गई, सामती से चली गई, तो मेरी क्या गलती थी इसमें? मैं उसके संग भी तो जबरदस्ती नहीं कर सकता था। लेकिन इस औरत ने मेरी पूरी लाइफ खराब कर दी, मेरे को कहीं का नहीं छोड़ा। मुझे नहीं मालूम कि मेरे मरने के बाद क्या होगा, लेकिन अगर कोई वजह है तो श्वेता गुप्ता ही है, प्रदीप गुप्ता और उसका परिवार।